भाई छप्पन मैच खत्म हो गए हैं सिर्फ तेरह मैच लीग स्टेज के बचे हैं लेकिन अभी तक ना ही कोई टीम ऑफिशियली बाहर हुई है और ना ही कोई टीम ऑफिशियली इन हुई है यही मजा है आईपीएल 2024 का कंफ्यूजन जबरदस्त तरीके से अभी भी ऑन है स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फोर टाइम आउट हिंदी में

जितना टीवी पे जो रिप्लेस दिखाए गए और जो कुछ भी यू नो जिस तरह से टीवी पे पर चलाए गए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आउट थे ऐसा लगा कि वो टच नहीं हुआ है इतने कंक्लूसिव एविडेंस नहीं थे और शायद उसीलिए थर्ड अंपायर ने आउट दिया और एक अच्छी चीज़ थी कि वो इंटरनेशनल अंपायर थे वहाँ पर तो उनको भी ऐसे लगा होगा और शे होप जिन्होंने कैच पकड़ा ऑब्वियसली यू नो उन्होंने भी कहा हालांकि वो तो चाहे जो भी होगा वो ऑब्वियसली अपने आप को कहेगा ही कि मैंने कैच लिया बट uh, जितना टीवी में दिखाया गया रिप्लेस के देखने के वजह देखने से ऐसा लगा कि शायद वो आउट थे टीवी में जितना रिप्लेस दिखाया गया और जिस एंगल से उतने देर में देखा उन्होंने वसीम भाई क्या थोड़ा और एंगल बढ़ सकता था मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप वाइड का देखें जिस जितना टाइम एक वाइड को रिव्यू में लिया गया यहाँ पर संजू सैमसन का उतना टाइम नहीं लिया गया तो क्या ये जितने भी एंगल्स उनको दिखाए गए थे उससे ज्यादा पीछे से कुछ और समय लिया जा सकता था बिल्कुल लिया जा सकता था वही मैं थोड़ा सा उसी के लिए सरप्राइज हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी वो डिसीजन दे दिया क्योंकि ये मैच का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था इस पर राजस्थान का जीत और हार इसी पर डिपेंड थी तो उस लिहाज से बिल्कुल मुझे लगता है कि दो तीन रिप्ले और अलग एंगल बदल करके या सुपर स्लोमो में वो दिखा सकते थे और नज़दीक करके तो उस लिहाज से बिल्कुल बहुत ऐसे लगा कि जल्दी में वो डिसीज़न लिया गया चलिए लेकिन अब इस पारी की बात भले ही रिजल्ट मन माफिक नहीं मिल पाया राजस्थान को लेकिन तो मेरे को ले लिया है लेकिन मैं ग्यारह में भी पहले ग्यारह में शायद मेरा ही नाम है जी हाँ बहुत कमाल की पारी खेली और पूरी राजस्थान की वो इनिंग्स में वो अकेले ही थे जो खड़े हुए थे और ऐसे लग रहा था कि वो अकेले लड़ रहे हैं राजस्थान की तरफ से कमाल पारी थी शुरू में जयसवाल आउट हुए फिर बटलर आउट हुए यू नो थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई उनकी पराग के साथ में बट उसके अलावा देखा जाए तो कोई उनके साथ ऐसे खड़ा नहीं था तो सिंगल हैंडली एक तरह से वो आ, मैच ले जा रहे थे राजस्थान को जिताते हुए और अगर वो डिसीजन नहीं होता तो शायद जिता भी देते और शायद शतक भी बना देते तो बिल्कुल और इस फॉर्म में अगर वो हैं तो आपको सोचना होगा बिल्कुल कि वो ग्यारह में खेलने के लिए डिजर्व करते हैं जैसा उनका फॉर्म चल रहा है जो कंसिस्टेंसी

पर्सपेक्टिव से भी मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का जितना थोड़ा सा ये था कि सारी टीमें इंटरेस्टेड है मैथमेटिकली uh, भी जो हम बात करते हैं कि अब सारी टीमें uh, इतने मैचेस होने के बाद में मतलब ऑलमोस्ट हम लास्ट वीक में आ गए हैं uh, लेकिन कोई भी क्वालिफाई हो सकता है कोई भी आउट हो सकता है तो अभी अगले जो पड़ाव के मैचेज है वो बहुत वैल्यू रखते हैं uh, तो उस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में चला जा रहा है ये टूर्नामेंट और बहुत कम बार ऐसे होता है कि आप लास्ट वीक में हैं और आपको पता नहीं है कि नंबर एक दो तीन चार पे कौन होगा क्वालिफाई कौन नहीं होगा तो आई I मीन mean, टूर्नामेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि कि बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ दिल्ली दिल्ली ये मैच जीत गई के जो अगले दो मैचेस हैं एक बेंगलोर उनके घर में यानी चिन्ना स्वामी में और एक आखिरी मुकाबला लीग का अपना चौदह मई को वो लखनऊ के साथ खेलेंगे तो उस हिसाब से दो में दो जीत चाहिए कैसे देखते हैं ये दोनों मैच क्या दिल्ली थोड़ा सा अब ऊपर दिखेगी अपने आपको आई मीन ऑब्बियसली ये विन उनको थोड़ा सा यू you नो know, उनका मोरल बढ़ाएगा जिस तरह से उन्होंने आज खेला टॉस हार गए थे लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की वार्नर नहीं अवेलेबल थे पृथ्वी को नहीं खिलाया लेकिन उसके बावजूद भी यू नो जिस तरह से उनकी टीम ने परफॉर्मेंस किया क्रिस्टियन स्टब्स ने कमाल की बल्लेबाजी की वरना ऐसे लग रहा था कि शायद पंद्रह बीस रन कम पड़ जाएंगे तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि दिल्ली का मनोबल बहुत बढ़ेगा और अगर इस फॉर्म में अगर वो खेलते रहेंगे तो अगले दो मैच भी जीत सकते हैं आई मीन अगर हम शुरुआत में देखें तो पहले पांच में से एक ही मैच जीते थे वो या मैच मैच में सिर्फ एक मैच जीते थे वहां से जो टर्न अराउंड किया है तो आई I मीन mean, कुछ भी पॉसिबल है जिस तरह से दिल्ली खेल रही है उनका फॉर्म चल रहा है आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि वो बिल्कुल रेस में है और शायद हो सकता है क्वालिफाई भी हो जाए बिल्कुल और राजस्थान को क्वालिफाई करने के लिए एक जीत चाहिए तीन मैचेस बाकी हैं उनके कोलकाता पंजाब और चेन्नई अगला मुकाबला चेन्नई के साथ है तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा ये ये झटका जरूर देगा लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तीन है तीन में एक जीत गए तो तो शायद आगे चले जाएंगे हम राजस्थान तो जनरली साई हो ही जाना चाहिए क्योंकि उनके लास्ट दो मैच अपने होम पर है प्लस हितमायर और शायद ध्रुव जोरेल तब तक फिट भी हो जाएंगे आज ऐसे लगा कि वो दोनों को उन्होंने मिस किया खास करके हितमायर क्योंकि वो जो अठारहवा ओवर कुलदीप ने डाला था अगर हितमायर होते तो शायद उनकी रणनीति कुछ और होती तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि राजस्थान को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इवन दो ये उनके साथ ये पैटर्न है पिछले अगर हम कुछ सीजन में देखें कि शुरुआत बहुत ज़बरदस्त करते हैं हमने पहले दस मैच में देखा आठ जीत गए दो हारे लेकिन थोड़ा बैक एंड में आके थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं तो अब बैक टू बैक दो मैच हार गए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता का विषय है बट मुझे नहीं लगता है कि क्वालिफिकेशन उनके लिए प्रॉब्लम होगा और हम लोग जो ट्रैफिक जैम की बात कर रहे हैं ये ट्रैफिक सिग्नल जो खराब हो गया है ये ख़राब आज क्या मैजिशियन ने

निकलस पूरन को आउट किया था और उस वक्त के राहुल को आउट किया था गेम बिल्कुल चेंज कर दिया था तो आज वो दोनों ही स्पिनर ने कुलदीप ने तो की ही कमाल की गेंदबाजी वो अठारह ओवर जो मैंने कहा वहाँ पर पाँच रन देकर वो विकेट जो निकाली डोनाम फरेरा की बिल्कुल गेम वहाँ पर भी चेंज हो गया उसके अलावा अक्सर ने भी जिस तरह से गेंदबाजी की वो बहुत बढ़िया मैचअप यूज़ किया ऋषभ ने थोड़ी सी उनकी कप्तानी की भी तारीफ़ करनी होगी कि वो मैचअप बहुत अच्छा यूज़ किया कि अक्सर को जॉस बटलर के सामने लेकर आया वहाँ पर वो विकेट निकाली

के तौर पर वो आए थे वहां पर छोटी सी पारी खेली थी आज अर्धशतक जड़ा उन्होंने आईपीएल करियर का अपना पहला मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी चॉइस दिल्ली की और एक अच्छा रिजल्ट दे अभिषेक बिल्कुल और इस युवा खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है आपने जैसे बात की कि वो पंजाब के सामने उनको इम्पैक्ट सब लाया गया था वहां पर डेथ में अः कमाल की 40 प्लस की पारी खेली थी वहाँ पर और उनको एक स्कोर दिया था अः दिल्ली को एक डिसेंट सा स्कोर दिया था और उसके बाद अब ओपनिंग करने लगे तब भी कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं और पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर को बाहर बिठा रहे हो तो आई मीन तारीफ़ करनी होगी और तारीफ करनी होगी यू नो तो दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट की भी कि वो उन पर फेद दिखा रहे हैं पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के और आज बहुत बढ़िया पारी खेली वो जो साठ प्लस रन बनाए हैं शुरू में जाके फैज़म अगक तो ऑब्वियसली यू नो तो वो एक ज़बरदस्त साइनिंग रही है उनके लिए कि इतने कमाल फॉर्म में है कि

ऑफ स्पिन और वो पुराने अश्विन नजर आए जो विकेट निकालने के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं तो यू ना क्रेडिट देनी होगी वहीं थोड़ा सा यजविंदर चहल का थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है क्योंकि उनको लगातार रन पड़ रहे आज भी अड़तालीस रन पड़े आ, और वहीं देखे तो वो जो दूसरे दो स्पिनर थे जो सामने वाली टीम में वो हावी हो गए राजस्थान के ऊपर तो ये थोड़ा सा कंसर्न है इस चीज़ों को थोड़ा राजस्थान को एड्रेस करना होगा बट अश्विन ने आज बढ़िया गेंदबाजी की बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए तो भाई दिल्ली वालों खुश तो बहुत होंगे आज आप जिस अंदाज में रन बने हैं और कोटला ने अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखा है आठ पारियों में सातवां मौका जो टीम 200 प्लस बना रही है इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ और फॉलो करते रहिए ईएसपीएन क्रिकेट फोर्स